गुड इवनिंग फ्रेंड्स। तो जहां कल हमने आपको छोड़ा था, आज मैं वहीं से आगे स्टार्ट करना चाहूंगा, इंडियन सिविलाइजेशनल कल्चर। हालांकि मैं पीछे से थोड़ा सा दोहराना चाहूंगा, ठीक है, आप ध्यान दीजिएगा। मैंने आपको बताया था कि इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर क्या है, तो यहाँ पे गांधी जी बता रहे थे कि भाई हमारा जो इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर है वो एक ऐसा बीज है जो हमारे पूर्वजों ने रोपा है ना, और वो रोपने के बाद ऐसा है कि उसको कोई भी हराया नहीं जा सकता। उन्होंने कंपेरिजन किया कि भाई जो हमारा सभ्यता है, अलग अलग सभ्यता है, जैसे कि माइट ऑफ पारा हस वाज ब्रोकन, आपने देखा कि हमारा जो जापान है वेस्टर्नाइज बन गया, चाइना का कुछ भी नहीं कहा जा सकता। उन्होंने ये भी बताया कि जो यूरोप के लोग हैं उनकी अपनी कोई सभ्यता नहीं थी, वो किससे सीख रहे थे, वो ग्रीस और रोम लोगों की जो लेखनी थी उनसे वो सीख रहे थे। उनकी कंडीशन ये थी कि वो खुद ही अपने आप को उस लोगों से सीख रहे थे जिनका कोई आता पता नहीं था, यानी वो भी मिस्टेक में थे, ऐसी उनकी कंडीशन थी। और यही तक हमने कल बताया था, तो आज आगे चलिए देखते हैं। कह रहा है यहां से देखते हैं, इन द मिड्स ऑफ ऑल दिस, देखिए किसके बीच में, इन द मिड्स ऑफ ऑल दिस, इन सारे चीजों के बीच में, यानी कहने का मतलब ये हुआ कि गांधी जी बोल रहे हैं कि देखो जो जापान है पश्चिमी सभ्यता का पुजारी बन गया, राइट, माइट ऑफ पारा हाउस वाज ब्रोकन, रोम बेंड, ग्रीस बेंड, शेयर द सेम फेट ऑफ चाइना, नथिंग कैन बी सेड। मतलब इतने जो सिविलाइजेशन हुए वो कहाँ आए, कहाँ गए, कोई आता पता नहीं। ये सब चल रहा है और वहीं पे इंडिया खड़ा है ना। इन द मिड्स ऑफ ऑल दिस, इन सभी चीजों के बीच में, मतलब कि आप मान लिया एक भीड़ में खड़े हैं और चारों तरफ लड़ाई हो रही है, लेकिन अगर भगवान, आपने देखे होंगे महाभारत में कि चारों तरफ महाभारत हो रहा है, लेकिन भगवान कृष्ण वहां पे खड़े हैं, किसके बीच में, इन सभी चीजों के बीच में, एमिट्स ऑल दिस, इतना महाभारत हो रहा है उसके बीच में वो खड़े हैं। तो यही काम इंडिया भी कर रहा है कि कोई कहीं जा रहा है, कोई टूट रहा है, कोई बिखर रहा है, कोई कुछ हो रहा है, लेकिन भारत उन सभी बीच चीजों के बीच में खड़ा है, ठीक है। और कैसे खड़ा है, इंडिया रिमेन्स इमूवेबल, भारत अडिग बना हुआ, अटल बोलते हैं, इमूवेबल। देखो मूव माने क्या होता है बाबू, आपको पता है, एमओवी, मूव माने घसकना, हटना, मूव कर जाओ, है ना। लेकिन ई मूव का मतलब सीधे निगेटिव होता है, उसका माने कि अडिग, इंडिया रिमेंस इमूवेबल, भारत थोड़ा भी हिलता नहीं है। मतलब कि कहने का मतलब है कि दुनिया के सभी सिविलाइजेशन इधर से उधर हो जाती है, लेकिन भारत वहां से हिलता नहीं अपनी जगह से जहां पे वो खड़ा। एंड दैट इज हर ग्लोरी, यही भारत की सुंदरता है। ग्लोरी मैंने चमक, सुंदरता, हर का प्रयोग यहाँ पर क्यों किया, जो कि भारत को हम लोग क्या मानते हैं, भारत माता, तो यहाँ पर हर का मतलब होता है लड़की का। वो संबोधन दे रहे हैं गांधी जी कि भारत हमारी माता है, माने हर ग्लोरी, भारत की ग्लोरी की बात कर रहा है। इट इज ए चार्ज, अब चार्ज का मतलब क्या होता है, चार्ज का मतलब होता है दोष। भारत के लोगों के ऊपर दोष लगाया गया, किसने लगाया, देखो हम लोग जानते हैं कि जब आप प्रोग्रेस कीजिएगा तो पैर खींचने वाले बड़ी प्यार से आगे आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, आपको जानते पहचानते नहीं है, कभी आपको देखा नहीं है, कभी आपसे बात नहीं किया, लेकिन आपके पैर खींचने के लिए आगे आ जाते हैं। तो जब विदेशी वाले लोगों ने, जिनका खुद का सभ्यता का आता पता नहीं है, जिनका क्या माए है बाप उनके सभ्यता का पता पता नहीं है, उसने देखा कि यार भारत ये तो बहुत तेजी से आगे चल रहा है, दुनिया में इसकी पूजा होती है। आपने कभी महसूस किया है कि अगर किसी भी व्यक्ति को योगा सीखना हो, किसी भी व्यक्ति को मेडिटेशन सीखना हो, तो कहाँ सीखेगा, जर्मनी जाकर के, इंग्लैंड जाकर के, नहीं, इंडिया आता है। इसका मतलब भारत की जो ट्रेडिशन है लोग सनातन धर्म को स्वीकार करने के लिए, आपने देखा होगा यूट्यूब में भी कि लोग भारत आ रहे हैं, भारत में की सभ्यता में, भारत की संस्कृति में वो बात है, जो लोग यहाँ पर आते हैं और मेडिटेशन सीखते हैं, भगवान के बारे में जानते हैं, है ना, कि क्या हुआ था पुरानी काल में उसके बारे में जानते हैं, ये सब कौन बचा के रखा अपनी सभ्यता में, इंडिया बचा के रखा, क्लियर, तो इंडिया बचा के रखा। तो वही कह रहा है कि जब इंडिया प्रोग्रेस करने लगा सबको जलन होने लगी और उन लोगों ने भारत विरुद्ध चार्ज लगा दिया। चार्ज का मतलब था दोष, दोष समझते ना, किसी को गलत करना, तो दोष लगा दिया। इट इज ए चार्ज अगेंस्ट इंडिया, किसके विरुद्ध लगा दिया, भारत के विरुद्ध। क्या बोला, दैट कि हर पीपल आर सो अनसिविलाइज, भारत के लोग इतने अनपढ़ गवार है, अनसिविलाइज है, अनपढ़ है, जाहिल गवार है ना, इग्नोरेंट है, मतलब किसी को सुनते ही नहीं, इग्नोर कर देते हैं, अस्टोलिड है, मत्सूर, मतलब चुपचाप बैठे रहते हैं, कुछ नहीं जवाब देते, कुरकुचने पर भी है बोलो जी, लेकिन अस्टोलिड रहता है, हम शांत पड़ा रहता है। और लोहा के लोग क्या बोले कि इतने मतसून है, इतने इग्नोरेंट है और इतने अनसिविलाइज है कि इट इज नॉट पॉसिबल टू इंड्यूस देम, उसको फुसलाना, उसको, है ना,
उसको किसी बात के लिए इंड्यूस करना, इंड्यूस का मतलब होता है प्रेरित करना। जैसे हम किसी बच्चे को प्रेरित करने के लिए कभी क्या करते हैं पता है, चॉकलेट देते, बस अरे बहुत अच्छा सुनाया जी, गुड, एक चॉकलेट ले लो सर, कल और सुनाएंगे सर, दीजिएगा ना, बिल्कुल वो प्रेरित हो जाता है। तो वही कह रहा है, विदेशी लोगों ने भारत के प्रोग्रेस देखते हुए भारत पे चार लगा कि भारत ऐसे है, यहाँ के लोग ऐसे हैं, यहाँ के लोग ऐसे हैं, और बिल्कुल उसको प्रेरित नहीं किया जा सकता। किसको? भारत के लोगों को। किस लिए? टू अडॉप्ट एनी चेंज, कि ये चेंज कर लो, ये चीज बदल लो। मैंने भारत के लोग वो के प्रति दोष लगा दिया गया। किसने लगाया? वही लोगों ने लगाया जिनका सभ्यता नहीं चला, है ना। प्रोग्रेस करने वाले के पीछे हमेशा कोई ना कोई आ ही जाता है, राइट। लेकिन गांधी जी क्या कहते हैं, इट इज चार्ज रियली अगेंस्ट आवर मेरिट। मेरिट मतलब गुण होता है, डिमेरिट मतलब अवगुण होता है, आपको पता ही होगा। तो गांधी जी ने कहा कि देखो भैया, ये जो चार्ज है ना, ये जो दोष है, देखो है ना दोष, ये जो दोष है वास्तव में हमारे गुण के करीब है, हमारे गुण के करीब है। मतलब कहने का मतलब गुण के विरुद्ध है। अगर कोई बच्चा मन से पढ़ता है ना, बच्चा कोई मन से पढ़ता है तो हम लोग क्या करते हैं, ये उसका गुण है मन से पढ़ रहा है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं उसके डिमेरिट बनाते हैं, बहुत पढ़न पूत मन ले, देखा ही नहीं, दिन रात पढ़ते रहे, कितना की कर लेते थे हम लोग पता है, ऐसा ऐसा गेल कितना गेले, मतलब उसका गुण है पढ़ना और उसी पे आप लगा रहे हैं चार्ज। ये काम होता है हम लोगों का, मतलब जो प्रोग्रेस कर रहा है ना उसका पैर खींचना, उल्टा सीधा अच्छा भी कर रहा है तो ऐसे बोल देते हैं, उसको बोलते हैं है ना चार्ज अगेंस्ट मेरिट, मैंने उसके गुण के विरुद्ध दोष लगा दिया। अब भारत में गुण क्या था कि जिस जगह पे वो बोला उस जगह से हिला नहीं, जो वादा किया उसे पूरा किया, जो सभ्यता बना के रखा वो बना के रखा। लेकिन पता है कि जब प्रोग्रेस करता है, लोगों का नाम होता है, तो दूसरे को जलन होना तय है। व्हाट वी हैव, तो गांधी जी कहते व्हाट वी हैव टेस्टेड, जिस चीजों को हमने टेस्ट किया भैया, देखो है ना, हम लोग ऐसे किसी चीज को मानते नहीं है, और जो चीज टेस्ट करके हमारे पास रहता है, जो आपने मेहनत करके सीखा है, वो आपसे कोई नहीं छीन सकता। अब भारत के पास जो संस्कृति है वो खरा खरी है, क्योंकि उसको आग से तपाया गया, उसको टेस्ट किया गया कि है क्या चीज। तो वही कह रहे हैं व्हाट जो वी हैव टेस्टेड एंड फाउंड ट्रू, टेस्ट करने के बाद पता चला कि वो चीज क्या है, सत्य है ना। किस चीज पे उन्होंने टेस्ट किया? ऑन द अनवेल ऑफ एक्सपीरियंस, अनुभव के कसौटी पे। अनवेल ऑफ एक्सपीरियंस का मतलब अनुभव के कसौटी पे, है ना। जब आप कोई भी काम बार बार करते हैं और आपको एक अनुभव हो जाता है ना, तो आप बिल्कुल बताते हैं अनुभव के आधार पे, ये कट जाएगा पांच से, ये तो अति का क्वेश्चन है, समीकरण है, ये अनुभव आपका बताता है। आप देखते ही क्वेश्चन को पहचान जाते हैं कि कौन से किसके ऊपर बेस्ड है, केमिस्ट्री के ऊपर बेस्ड है, फिजिक्स के ऊपर बेस्ड है ना। तो ये आपका अनुभव बनाता है, आपने पढ़ा होगा तो अनुभव आपको खुद बता देगा। तो वही बताया जा रहा है कि जो चीज को हम लोगों ने टेस्ट किया और पाया कि ये सत्य है, किसके आधार पे? ऑन द अनवेल ऑफ एक्सपीरियंस, अनुभव के आधार पे। वी डेयर नॉट चेंज, हमें उसे बदलने की हिम्मत ही नहीं है। अब जो चीज सत्य हो गया भैया, हम बदल सकते हैं, हमको हिम्मत है सत्य चीज को छुपाने के? कोई कहेगा कि सूरज पश्चिम में उगता है, हम बोल सकते हैं हम जानते हैं कि पूरब में उगता है, तो हमें हिम्मत ही नहीं है। तो गांधी जी वही तो बोल रहे हैं कि जो चीज सत्य साबित हो गया हम उसको बदल सकते हैं, हिम्मत ही नहीं है। मेनी थ्रस्ट देयर एडवाइस, थ्रस्ट मैंने सौंपना, थ्रस्ट मैंने सौंपना, याद रखिएगा थ्रस्ट के साथ हमेशा जो लगता है प्रीपोजिशन वो लगता है थ्रस्ट अपॉन, ये याद रखिएगा। तो मेनी पीपल थ्रस्ट देयर एडवाइस, बहुत सारे लोगों ने अपना एडवाइस सौंपा किसके ऊपर? इंडिया के ऊपर, है ना। लेकिन इंडिया कह रहा है सी रिमेंस स्टडी, बिल्कुल शांत रहा। अब एडवाइस सौंपने का मतलब क्या होता है, इंडिया को जिसी को भड़काना होता है ना, उसका उसका भड़काना होता है किसी को, तो हम लोग क्या करते हैं, बोलते हैं अरे यार तुम जो कर रहे हो बढ़िया ना, इसका रिजल्ट नहीं आएगा। हम जान रहे हैं कि बढ़िया आएगा, लेकिन उसको भड़काने के लिए क्या करते हैं, ऐसे ऐसे बोलते हैं, क्लियर। तो जब हम ऐसे बोलते हैं तो उसके ट्रैक को ऑफ ट्रैक करना चाहते हैं। तो ये काम भारत वाले के लिए साथ भी किया गया और बहुत सारे लोगों ने अपना सलाह दे दिया, एडवाइस दे दिया किसके ऊपर, इंडिया के ऊपर, और क्या कहा कि ये कर लो वो कर लो, लेकिन शी रिमेन्स स्टेडी, लेकिन भारत शांत रहा, बोले कि ठीक है सुनेंगे सब, ये करेंगे अपने मन की, ये बात तो क्लियर है, भारत सबकी सुना, ऐसा नहीं क्यों नहीं सुना। दिस इज हर ब्यूटी, यही तो भारत की सुंदरता है कि सुनता सबका है, करता अपने मन का है। ऐसा नहीं कि सामने वाले को सुना नहीं तो सामने वाला नाराज हो गया भैया कि तुम्हारी बात नहीं सुनो, सुनो बिल्कुल सुनो, लेकिन करना तो अपना है, रिजल्ट तो अपना है, जिंदगी तो अपना है, तो हम अपने तरह से डिसाइड करेंगे, है ना। किसी को बुरा भी नहीं लगेगा कि नहीं सुनता है, है ना। इट इज द शीट एंकर, शीट एंकर मैंने ढाल, ये ढाल है किस चीज का? ऑफ आवर होप। भारत अपने वादे पे खड़ा है, अपना मेरिट बरकरार है, उसमें अवगुण नहीं आया, लोगों को भले ही लगे
तो जब आपका मेरिट बरकरार है तो निश्चित है कि वो आशा का रक्षक है, आपकी आशा बरकरार रहेगी, जिसमें गुण है तो वो अच्छा ही रिजल्ट लाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अब आगे क्या कहते गांधी जी, कहते सिविलाइजेशन क्या है, सिविलाइजेशन इज दैट मोड ऑफ कंडक्ट। देखो क्या कर रहा है, सिविलाइजेशन है दैट मन, वह मोड ऑफ कंडक्ट, वह व्यवहार का तरीका। गांधी जी कहते अब देखिए सिविलाइजेशन का हम डेफिनेशन बताएंगे, डेफिनेशन आता है क्वेश्चन में, पूछा जाता है कि डेफिनेशन क्या है ना, यहां तक कि बीच से क्वेश्चन निकाल करके पूछे जाते हैं एक्सप्लेनेशन में, जिसके लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा। चलिए सुनिए, उसके लिए हम आपको पूरा आपके क्वेश्चन, आपके कमेंट्स जो हमारे पास आएंगे उसके अनुसार हम आपको आपके क्लासेस ऑर्गेनाइज करते चले जाएंगे। अगर आपको एक्सप्लेनेशन पे चाहिए वीडियोस, हमें एक्सप्लेनेशन पे चाहिए, अगर आपको चाहिए वीडियोस ऑनलाइन, हम आप चाहते हैं कि हम ऑनलाइन आके पढ़ाएं, आपको कमेंट करना है, बस हम ऑर्गेनाइज कर लेंगे आपके अकॉर्डिंग टू योर नीड। आई हैव टू एडजस्ट एवरीथिंग, आपको जो पसंद है आप बताइएगा, क्योंकि हम आपके लिए यहाँ पे हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो सिविलाइजेशन इज दैट मोड ऑफ कंडक्ट, वह व्यवहार का तरीका जो क्या बताता है, विच पॉइंट्स आउट, जो बताता है टू ए मैन, एक आदमी को बताता है, क्या बताता है, द पाथ ऑफ ड्यूटी। मतलब कहने का मतलब है कि अगर आपके अंदर सिविलाइजेशन है तो आपका एक ऐसा व्यवहार रहेगा जो एक पार, एक ड्यूटी, एक आदमी को बताता है ड्यूटी का रास्ता। मतलब वो बताता है कि आप कैसे अपने कर्म को करेंगे, कब, जब आप में सिविलाइजेशन है तो, सिविलाइज है तो ये चीज आपको खुद ही पता चल जाए कि करना क्या है। जो पढ़े लिखे आदमी होते हैं तो उनको पता होता है कि मैंने जो पढ़ाई किया है इसको कैसे उपयोग करना है, जो अनपढ़ है तो उसको बातें अलग है। तो इसलिए सिविलाइज पर्सन को हमेशा पता होता है कि मुझे वो, वही उसका नॉलेज जो उसको बताता है कि आपको करना क्या है, ड्यूटी क्या करना है ना, उसको पता चल जाता है। जैसे मैंने पढ़ लिया तो मुझे पता है कि बच्चों को पढ़ानी है, तो अगर हम सिविलाइज हैं तो हमें ड्यूटी अपने खुद ब खुद पता चल जाता है। क्लियर। और साथ ही साथ कहता है कि परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी, अब डीसी कैसे करना है ये भी आपको सिविलाइजेशन ही बताता है। क्लियर। अब यहां से देखिए थोड़ा सा चेंज है, कहता एंड ऑब्जर्वेंस ऑफ मोरालिटी, नैतिकता का पालन करना, किसका पालन करना, ऑब्जर्वेंस ऑफ मोरालिटी क्या है, आर कन्वर्टिबल टर्म। अब देखिए कन्वर्टिबल टर्म का मतलब होता है ना, अगर आप प्लस को माइनस में करें तो माइनस मतलब कि कहने के बाद एसी लाइट को आप डीसी में कन्वर्ट कर लिया, डीसी को एसी में कर लीजिए। ठीक है, अगर आप एसी को डीसी में कर सकते हो तो डीसी एसी में भी हो जाएगा, मतलब दोनों एक दूसरे में कन्वर्ट होता है। तो यहाँ पर गांधी जी कह रहे हैं कि परफॉर्मेंस, देखो ऑब्जर्वेंस ऑफ मोरालिटी और कन्वर्टिबल टर्म, देखिए इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मान लिया जाए कि आप नैतिकता का पालन करते हैं तो आपका परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी हो जाता है, और अगर आप ड्यूटी का पालन करते हैं तो मोरालिटी का ऑब्जर्वेंस हो जाता है। उदाहरण के लिए आप अपने जीवन में समझिए, मान लिया जाए कि आप अपने पापा की बात मानते हैं तो पापा तो गलत नहीं बोलेंगे, आपके भलाई के लिए बोलेंगे, है ना, गुरु की बात मानते हैं भलाई के लिए बोलेंगे। तो जैसे ही आप पापा की बात मानते हैं, गुरु की बात मानते हैं, तो आपका परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी हो जाता है, और जैसे ही आप ड्यूटी कर लेते हैं तो अपने माँ बाप को बात मानने के लिए आपको मोरलता का पालन हो जाता है। यानी कि ये कैसा टर्म है, कन्वर्टिबल टर्म, माने कि प्लस माइनस में, माइनस प्लस में, यानी कि एसी डीसी में हो जाता है। आप एक काम कीजिए दो काम हो जाएगा, आप अपनी मम्मी पापा की बात मानिए तो आप मोरलता का पालन भी कर लेंगे और काम भी कर लेंगे। बात मानना ही एक मोरलता का पालन है, और ड्यूटी करना क्या, परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी। यही तो बोल रहे हैं गांधी जी कि एक करो दोनों हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं, और आगे बोलते हैं, टू ऑब्जर्व मोरालिटी, नैतिकता का पालन करना क्या है, इज टू अटेंड मास्टरी, मास्टरी प्राप्त कर लेना, कंट्रोल प्राप्त करना, उसका मास्टर होना, किसके ऊपर, ओवर द माइंड एंड आवर पैशन, हमारे दिमाग के ऊपर और हमारी लालसाओं के ऊपर। जो हम लोग पाना चाहते हैं, कुछ लालसा होता है कि हमें मोबाइल लेना है, मुझे ये करना है, मुझे बाइक लेनी है, मुझे ये लालसा, उसको पैशन भी बोलते हैं, है ना, एकदम दिन रात उसी के बारे में सोचना, ये पैशन होता है। जिस चीज के बारे में पाने के लिए आप दिन रात सोचते हैं वो आपका पैशन है ना। कोई पढ़ाने के लिए सोचता है तो पैशन है, कोई खेलने के लिए सोचता है पैशन है ना, तो वो ही पैशन को बोलते हैं लालसा। तो कहता है कि टू ऑब्जर्व द मोरालिटी, अगर मोरालिटी का पालन करते हैं, मैंने अपनी मम्मी पापा की बात को मानते हैं, मोरालिटी का पालन करना, अगर शास्त्रों में जो बात लिखी उसको मानना, मोरालिटी का पालन कहलाता है, क्योंकि गलत नहीं लिखा हुआ। अगर आप ऐसा करेंगे तो क्या हो जाएगा, टू अटेन मास्टरी ओवर माइंड एंड पैशन, आप किसके ऊपर कंट्रोल कर लेंगे, मास्टर बन जाएंगे, माइंड का मास्टर बन जाएंगे, और आप पैशन जो आपकी लालसा उसको माने, मतलब आप अपनी लालसाओं को कंट्रोल कर सकते हैं, अपनी इच्छाओं को कंट्रोल कर सकते हैं। कि इच्छा क्या होता है ना, कभी कभी इतना ज्यादा बढ़ जाता है, जैसे पैसा पाने की इच्छा, तो लोग वहां पर क्या करते हैं, गलत काम करने लगते हैं,
पैसे पाने के लिए, तो वहां पर आप ये काम नहीं करेंगे। कब? जब आप मोरालिटी का पालन करेंगे, तब शास्त्रों की बात मानेंगे, अपने मम्मी पापा की बात मानेंगे। तो यही तो कह रहे गांधी जी, क्या कह रहे हैं कि जब आप मोरालिटी का पालन करेंगे तो मास्टरी पे कंट्रोल कर लेंगे, मास्टर बन जाएंगे माइंड का और पैशन का। क्लियर? आगे देखते हैं। सो डूइंग, ऐसा करने में, अगर आप ऐसा करते हैं, मतलब अपनी मम्मी पापा की बात मानते हैं, शास्त्रों की बात मानते हैं, जो महाभारत रामायण में लिखा है उसकी बात मानते हैं, राइट? तो उस स्थिति में, बात मानते हैं, डूइंग, ऐसा करने में वी नो आवर सेल्फ। अगर आप पालन करते हैं, डूइंग सो, ऐसा करने में वी नो आवर सेल्फ, अगर आप अपने मम्मी पापा की बात मानते हैं तो ऐसा करने में आप अपने आप को जान जाते हैं। चलिए मैं एक उदाहरण देता हूं, ठीक है? अगर मान लिया जाए कि आप एक ऐसे व्यक्ति हैं, है ना, जो किसी के दुख को नहीं देख सकते हैं, राइट? आप किसी क्लास में पहली बार जाते हैं, ज्यादा बातचीत नहीं करते, बढ़िया से बैठते हैं, पढ़ते हैं, लिखते चले आते हैं, सभी लोग आपको सोचते हैं कि आप अनसिविलाइज्ड हैं, अनस्टॉलिड हैं, है ना, ऐसा सोचते हैं। और वो एक दिन की बात है, आप पे कमेंट भी कर देते हैं कि अरे सर इसको छोड़िए, नहीं कंजूस आदमी है, इसको से कुछ होने वाला नहीं है। लेकिन आप ये बात नहीं बताते हैं, बल्कि आप अपने पैसे बचा करके और गरीबों में दान देते हैं, या जो भी कुछ करते हैं, कुछ अच्छा काम कर लेते हैं, किसी बच्चे को किताब खरीद देते हैं, किसी को शर्ट दे देते हैं, किसी को कुछ कर देते हैं, ये काम करते हैं, लेकिन बोलते नहीं है। एक दिन की बात है, जो आपने उस पर कॉमेंट किया, ठीक है ना, तो आपने उसको बड़े प्यारा से जवाब दिया कि आप करते हैं, तो बिल्कुल वो बोला हाँ हम करते हैं। तो लेकिन जब ये चीज किसी व्यक्ति ने आकर के उन क्लास में बोला कि अरे ये तो बहुत बेहतर आदमी है यार, ये तो बहुत अच्छा काम किए हुए, ठीक है ना, तो एक्चुअली क्या हुआ कि जब आप अपने मन से अपने मोरलता का पालन करके किसी दूसरे को भलाई करते हैं, तो आप अपने जान जाते हैं, कोई आपको दोष भी लगाएगा कि ये बंदा जो है ना कंजूस है, लेकिन आपका मन बोलेगा कि हम कंजूस नहीं है, आपका मन बोलेगा, आपको बुरा नहीं लगेगा, बुरा उसको लगता है जो बुरा है और बुरा कर रहा है, उसको बोला जाए तो वो टकरा जाता है, उसको बुरा लगता है, वही उस पर लगता है, लेकिन वो अच्छा कर रहा है तो उसको बुरा भी बोली होगा तो नहीं उसको बुरा लगा। अगर आप जो इंसान आदमी उसको ये तो चोर है, वो हंसेगा, भगवान को बोले कि ये तो गधा है। जो जब भगवान श्री कृष्ण जब गए थे, है ना, क्या बोलते हैं, जब भगवान श्री कृष्ण गए थे या दुर्योधन के पास, तो क्या बोला, वो तो ग्वाला बोला कि ग्वाला है, ये ऐसे है, ये वैसे है, इसके पास क्या है, कुछ है नहीं। लेकिन जब उसकी भगवान मुस्कुराने लगे, क्यों मुस्कुराने, उनको पता है कि मैं क्या हूं। तो अगर आप में गुण है और लोग आपको दोष दे रहे हैं कि आप ऐसे हो, फलना हो, चिल्ला हो, ढिमका, आपको कोई फर्क पड़ने वाला नहीं, आपको पता है कि मेरी ताकत क्या है। तो वही तो कर रहे हैं कि अगर आप अपने आप को मोरालिटी का पालन करोगे, सही काम को पालन करोगे, तो किसको जान जाओ कि मैं क्या हूं। यही तो गांधी जी बोल रहे हैं कि हम अपने आप को जान जाते हैं। आगे बोलते हैं गांधी जी, गुजराती इक्विवेलेंट सिविलाइजेशन मींस, कहता है गुजराती में इक्विवेलेंस का मतलब होता है कि बराबर होना, सिविलाइजेशन का बराबर का मतलब होता है गुड कंडक्ट। यानी सीधे सीधे बोला जाए तो गुजरात में अगर किसी आदमी को सिविलाइजेशन बोला जाए, तो उसका मतलब सिविलाइज बोला जाए या सिविलाइजेशन बोला जाए, उसका मतलब अच्छा व्यवहार, जिसका अच्छा व्यवहार है वो सिविलाइज है। ये गुजरात में ही बोला जाता है, गुजरात में क्या बोला जाता है, गुजराती का मतलब होता है गुड कंडक्ट, सही व्यवहार। अब गांधी जी कहते हैं कि यदि ये डेफिनेशन, ये परिभाषा भी करेक्ट, अगर सही हुआ कि जैसा मैं बोल रहा हूँ कि अच्छा कंडक्ट ही व्यवहार है, यही सिविलाइजेशन है, अगर ये परिभाषा सही हुआ, तब देन मैंने तब इंडिया एज मेनी राइटर्स हैव शोन, जैसा कि बहुत सारे राइटरों ने क्या किया है, दिखाया है भारत को, तो उस भारत को क्या करना है, हैज नथिंग टू लर्न फ्रॉम एनीबॉडी एल्स। जैसा कि बहुत सारे राइटरों ने दिखाया कि भारत एक ऐसा देश है जिसको किसी से सीखने की जरूरत नहीं है, राइटर ने लिख करके बताया कि भारत ऐसे छोटा मोटा देश नहीं, भारत में किस चीज की कमी है, वो तो भगवान के बारे में बताता है, अध्यात्म के बारे में बताता है, योगा के बारे में बताता है, मेडिटेशन के बारे में बताता है, जो कि सीधे सीधे गॉड से कनेक्ट करता है, बाकी तो सारा बस भोग विलासता के बारे में बताता है। तो इतने क्वालिटी रखने वाला कोई किसी से क्या सीखेगा भैया, वो तो किसी को दूसरे को सिखाएगा, इसलिए लोग विदेशों से आते हैं सीखने के लिए यहाँ पर, तपस्या करते हैं हिमालय में जाकर के। चलिए दिस, अब भारत कैसा, दिस इज एट इट शुड बी, ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि इसको होना चाहिए, ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि इसको होना चाहिए, इसमें बदलने की, कुछ इधर उधर करने की कोई भी जरूरत नहीं है, ठीक है, किसी भी प्रकार की कोई जरूरत नहीं। आगे चलते हैं,
आगे देखते हैं, कह रहा है गांधी जी नोटिस भी करते हैं। भैया देखिए, जब आदमी कोई ज्ञान वाला होता है तो नोटिस ज्यादा करता, बोलता कम है, देख करके दिमाग से ज्यादा पढ़ता है। तो गांधी जी कहते हैं हम लोग नोटिस करते हैं, वी नोटिस, क्या नोटिस करते हैं, दैट माइंड इज ए रेस्टलेस बर्ड, हमारा जो दिमाग है ना वो बेचैन चिड़िया है। बेचैन चिड़िया का मतलब सुनो, कभी फुर्र से उड़ के इधर कभी उधर। आपने किताब खोला पढ़ने के लिए, किताब खुला है, ध्यान चल रहा है, तुम पास आए, यूं मुस्कुराए, चल रहा है, हवा में गूंज रहा है ना, आपका दिमाग कंट्रोल नहीं होता है, ये तो आपको पता ही चल गया होगा। तो गांधी जी भी तो सही बोल रहे हैं, वो तो पहले ही बोल के रखे थे। क्या बोल रहे हैं कि हम लोग नोटिस करते हैं कि हमारा जो दिमाग है कैसा है, बेचैन चिड़िया है। ठीक है, द मोर वी गेट, जितने ही हम लोग को मिलता है, द मोर वी गेट द मोर वी वांट, उतना ही हम लोग चाहते हैं, फिर भी एंड स्टिल रिमेन्स अनसेटिस्फाइड, तब पर भी असंतुष्ट रहते हैं। ये तो आदमी में प्रवृत्ति होता है, कितनों उसको मिल जाए संतुष्ट होने वाला नहीं है। तो गांधी जी पहले ही बोल गए थे कि भैया देखो हमारा जो दिमाग है ना बेचैन चिड़िया है, कभी यहां सोचेगा, कभी वहां सोचेगा, कभी कुछ और सोच लेगा, उसको ये नहीं पता है कि हम ये करने वाले नहीं, कभी ये भी सोच लेगा कि मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, मैं वो करूंगा, और करना कुछ भी नहीं है, कि 5-10 मिनट वही सोच के टाइम बर्बाद कर लेता, जो करना है उसके बारे में सोचता ही नहीं है। तो ऐसे हो जाता था, वैसे हो जाता, अरे भैया जो है टाइम उसको देखो ना जी, वो तो तुम बर्बाद कर रहे हो सोच करके, जो करना ही नहीं है, तो सोचो वही जो तुम कर सकते हो। तो गांधी जी पहले ही बोल दिए थे, उनको पता था, नोटिस किए हुए थे कि लोगों का दिमाग ऐसा ही होता है। आगे क्या कहते हैं, द मोर वी इंडल्ज इन आवर पैशन, जितने ही ज्यादा हम अपनी महत्वाकांक्षाओं में, पैशन बताए थे ना, किसी चीज के पाने की स्ट्रॉन्ग इच्छा, अगर जितने ही ज्यादा हम लोग इंडल्ज होंगे, इंडल्ज मैंने होता है शामिल होना, कहता हमारे मामले में तो इंडल्ज मत होना, हमारे मामले में शामिल मत हो, तो निकल ले, है ना। तो इंडल्ज मैंने शामिल, इन मन में डल मैंने डाल दो, अपने आप को उसमें डाल दो, मैंने शामिल हो जाओ, है ना। तो बी द मोर वी इंडल्ज, जितने ही ज्यादा हम लोग शामिल होते हैं किस चीज में, इन आवर पैशन, हमारी इच्छाओं में, कि हमको ये पाना है, हमको वो पाना है, द मोर अनब्रिल्ड, उतना ही अनब्रिल्ड दे बिकम, उतना ही ज्यादा हमारी इच्छाएं अनब्रिल्ड हो जाती है, बेचैन हो जाती। चलो उदाहरण से समझते हैं, अगर नहीं समझ में आप बोलिएगा, मैं उदाहरण से समझाऊंगा, बहुत अच्छा कहानी से। मेरा सबसे बड़ा रिमार्केबल बात है कि मैं किसी भी चीज को कहानी के माध्यम से समझाता हूँ, बिल्कुल सटीक समझा दूंगा। चलिए, एक आदमी बहुत ही अमीर है ना, उसका पैसे की कमी नहीं, फिर भी उसका जो दिमाग है वो अनसेटिस्फाइड है, वो अपने पैसे से बिल्कुल सेटिस्फाइड है, वो अलग जाकर के एक और बिजनेस कर देता है, ठीक है, वहां पर प्लांट लगा देता है, ठीक है, फिर वहां लगा देता है, वहां लगाता है, उसका 10 ऑलरेडी है, उसको मैनेज कर लेता है। फिर वो अपने पति से बात करता है, पैसा आ रहा है, एक जगह और डाल दें, दो आदमी लगा देंगे, काम हो जाएगा। अब उसने लगा दिया, वो पता चला कि वो आदमी धोखा देके निकल गया, अब फोन आ रहा है, सर वो तो आया ही नहीं, अरे यार ये तो घटा दिलवा देगा दिमाग में, हाँ क्या करना है, किसको करें, अब इस समय पे धोखा दे दिया, हम क्या करें, पागल हो जाएंगे। कौन बोला था उतना पैसा लगाने के लिए, जितना था आराम से रहता, कुछ गरीबों को देता, संतुष्टि मिल जाता, तो वही, ये तो लालच हो गया है ना। तो वही तो कहा जा रहा है यहाँ पर, गांधी बोल रहे क्या कि भैया जितने ही ज्यादा तुम अपनी इच्छा, उसका इच्छा था एक और प्लांट लगाएं, एक और कंपनी खोल दें, खोलिए ना, कौन दिक्कत पड़ रहा है, वो अपन चक्कर में रहता सब, उधर भागे उधर भागे उधर भागे सबका, और आप पड़े रहे और आपका टेंशन वहां पे पड़ा हुआ, क्या 10 को से नहीं काम चला था जब 12 को खोल दिए, अरे कुछ शांति भी तो होना चाहिए। लेकिन आपने क्या किया, आपने अपने पैशन के में इंडल्ज हो गया। तो पता है ना, गांधी जी पहले ही बोल देते कि ज्यादा इंडल्ज होगा ना तो क्यों, तो द मोर अनब्रिल्ड दे बिकम, वो कंट्रोल से बाहर हो जाएगा, और वो कंट्रोल से बाहर हो गया, अब आपके पास ना शांति है, ना चैन है, ना खाने का, ना पीने का, ना जाने का, ना पति से भी बात करो, बेटों को भी मार दो दुलप्पड़ गुस्से में, तो ये सारा चीज कंट्रोल से बाहर हो जाएगा, है ना। आवर एंसेस्टर, हमारे पूर्वज, देयरफॉर, इसीलिए सेट ए लिमिट टू इंडल्जेंस, हमारे पूर्वज ने देख लिया था कि भैया लोगों का यही तरीका है, तो उन्होंने बता दिया था कि आप ना, हम आपको एक सेट कर देते हैं कि आपकी जो जरूरतें हैं उतना ही उसके पीछे जाइए, ज्यादा जाने की जरूरत नहीं है, हर चीज की एक लिमिट होती है, अगर लिमिट में करेंगे तो काफी बेहतर रिजल्ट आएगा, और अनलिमिटेड कर देंगे तो पता है ना आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा। हमारे पूर्वज भी बहुत अच्छे थे और उनको ये बात पता था कि आदमी का दिमाग कैसा होता, तो उन्होंने एक लिमिट सेट कर दिया, ठीक है, क्यों सेट किया, दे सा दैट हैप्पीनेस वाज लार्जली ए मेंटल कंडीशन, उसने देखा था कि जो खुशी है ना जिसके पीछे हम लोग भागते हैं, है ना, वो पैसे से नहीं आती, वो आपका मेंटल स्टेटस है, वो आपका मेंटल कंडीशन से आएगा, आप मन में क्या रखते हैं इससे आएगा। चलिए इसको भी एक उदाहरण से समझते हैं, एक बच्चा था, जा रहा था, 2000 का नोट मिल गया, बंदा ले लिया, पॉकेट में रख लिया आराम से, और जाने लगा, जैसे ही वो गया, उसको कहीं जाना था, वो चढ़ा टीटी आकर पकड़ लिया उसको, है ना, अब 2000 का नोट बेचारा दे दिया, डर के मारे दे दिया, 1000 छोप के काट लिया और 1000 उसको दे दिया, वो घर जाकर के रो रहा, कह रही यार 2000 रहता था बढ़िया रहता,
है ना। अब उसका मेंटल कंडीशन देखिए, जब वो पैसा नहीं मिला था तो क्या रो रहा था? बिल्कुल नहीं रो रहा था, खुश था, उसको कुछ पता ही नहीं था। यानी 1,000 रुपया अभी भी पॉकेट में उसके पास है, उसके बावजूद भी उसकी स्थिति देखिए कितना कमीना है कि वो रो रहा है। अरे किसके पास वो भी नहीं है, तुम्हारे पास तो है ना, तो संतुष्ट तो रहो। तो दिमाग से होता है, अगर हम लोग बुद्धिमान है तो समझेंगे अरे कुछ नहीं था मेरे पास, आज तो इतना है, इतना तो है, आराम से रहो, कोई दिक्कत नहीं, आया गया कोई दिक्कत नहीं। अगर वो नहीं आता, वो नहीं देता, शायद भगवान हमको वो भी नहीं देते। इतना संतुष्टि करके रहो ना, क्योंकि अब हमारे पास प्लस में है, ये तो सोचो हमारे पास प्लस में कुछ नहीं था, 1,000 है, 1,000 है, गया तो गया। ऐसे अगर हम सोचेंगे तो खुश रहेंगे कि नहीं रहेंगे? तो इसे बोलते हैं मेंटल कंडीशन। ज्यादा पाने से आप खुश नहीं रहोगे, यहां से खुश रहोगे, यही हमारे बोल गए थे कौन? गांधी जी। चलिए आगे देखते हैं। ए मैन इज नॉट नेसेसरी हैप्पी, एक आदमी जरूरी रूप से खुश नहीं होता, बिकॉज ही इज रिच, है ना। गांधी जी कह गए भैया एक आदमी जरूरी नहीं कि इसलिए खुश होता क्योंकि अमीर है, उल्टा हो जाता है भाई, है ना, और अनहैप्पी इसलिए नहीं क्योंकि वो गरीब है। रिच आर ऑफन सीन टू बी अनहैप्पी, हमने पहले भी बताया था कि जो जितने ज्यादा अमीर होगा वो ज्यादा दुखी होगा, क्योंकि उसको पैशन होता है पैसे ज्यादा कमाने की, और उसके चक्कर में वो उलझता चला जाता है, इधर खर्चा करेगा, इधर देगा, उधर डूब गया था, ये हुआ था उसका, है ना, उसका काम करने वाला भाग गया, अब कैसे मशीन चलाए, रात के 12 बज रहा है, किसको कॉल करे, समझ में आ रहा। कहता पुअर टू बी हैप्पी, और गरीब लोग खुश होते हैं, ऐसा गांधी जी पहले ही बोल दिए थे। मिलियंस विल ऑलवेज रिमेन पुअर, गांधी जी को ये भी पता था कि भारत में कितनों कुछ कर लिया जाए इतना जल्दी डेवलप होने वाला नहीं, करोड़ों लोग लाखों लोग हमेशा के लिए पुअर रहेंगे, ऐसा नहीं है कि भारत एक बार बन जाएगा, गरीबी आज भी है, कल भी है, और 100 साल बाद भी रहेगा भारत। पता था गांधी जी को ये बात, बाद में कुछ वो बात है, लेकिन 100 साल उनके अनुसार अभी ही रहेगा ही रहेगा, ठीक है। ऑब्जर्विंग ऑल दिस, इन सभी बातों को देखते हो कि गरीबी रहेगा, है ना, माइंड कंट्रोल से बाहर हो जाता है अगर हम किसी की चीज के पीछे जाते हैं, ये सब बातों को ऑब्जर्व करते हुए देखते हुए, है ना, हमारे एंसेस्टर हमारे पूर्वज ने हम लोग को भड़का दिया किस चीज से, फ्रॉम लग्जरी एंड प्लेजर। उन्होंने कहा दिया कि देखो भैया लग्जरी का मतलब होता है भोग विलासिता, प्लेजर का मतलब है ना हमारे शारीरिक सुख जो एसी वगैरह से मिलता है, हम बिल्कुल आराम से रहते हैं। कहता है कि लग्जरी और प्लेजर जो है ना भोग विलासिता से आप दूर रहिए, हमारे पूर्वजों ने कह दिया, क्योंकि अगर जितने ही ज्यादा भोग विलासिता में जाइएगा, हमारे पास बंगला, हमारे पास गाड़ी है, हमारे पास ये, तो आप समझिए बेचैन होने के लिए तैयार हो जाइए, वो इतने आसानी से नहीं आएगा गाड़ी और बंगला, उसके चक्कर में आप दिमाग पिसाइए हो या ये समझ लीजिए, ये पहले ही बोल दिए थे। तो हमारे जो एंसेस्टर उन्हें पहले ही भड़का दिया था भैया ये दोनों से बच के रहो, ये बिल्कुल बच के रहो, नहीं तो जाओगे बढ़िया से। वी हैव मैनेज्ड विद द सेम काइंड ऑफ फ्लो, फ्लो का मतलब हल होता है। आज आप देखिएगा कि आज इतना साल होने के बाद हम लोग ट्रैक्टर से जरूर जोतते हैं, लेकिन आज गांव में देखिएगा तो हल की पूजा होती है, कहीं कोने में रखा होगा, अब बढ़िया से तिलक वगैरह किया होगा, अब पूजा उसी का होता है, हल की इतनी पूजा होती, इतनी मान्यता, क्योंकि पहले हमारे पूर्वज उसी से काटते थे, कमाते, आज ना ट्रैक्टर हो गया तो इसका मतलब क्या, उसका उसका अभी भी वैल्यू बहुत ज्यादा। तो वही कह रहा है कि आज हम लोग मैनेज करके वही प्रकार के हल को रखा है जो हजारों साल पहले हुआ करते थे, एज एग्जिस्टेड 1000 years ago, बिल्कुल सही। वी हैव रिटेन, रिटेन मैंने दोबारा प्राप्त करना, खो करके प्राप्त करना, रिटेन रिटेन द सेम काइंड ऑफ कॉटेज दैट वी हैव इन फॉर्मर टाइम्स, आज भी हमारे पास वही घर है, वही द्वार है जहाँ पे हम प्यार से भाई बहनों के साथ रहते हैं, अंकल आंटी के साथ रहते हैं, वही हमारा परिवार है और सेटअप है, ठीक है। आवर इंडिजिनस एजुकेशन सिस्टम रिमेन्स द सेम एज बिफोर, हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है पहले जैसा ही, भले उसका नाम हॉस्टल हो गया लेकिन आज भी वो गुरुकुल का ही काम करता है, गुरु जी के शरण में हम लोग रहते हैं और गुरु जी की बातों को मान करके उनकी सेवा करके सीखते हैं, खाना पीना भी बच्चे लोग ही बनाते हैं, बहुत बार हमने देखा है, ठीक है। हालांकि अब कुछ फैसिलिटीज चेंज हुई है, बाहर से लोग आते हैं बनाते हैं, ये वो होता है, लेकिन गुरुकुल का सिस्टम अभी भी है जो हॉस्टल के नाम पे। तो हमारा एजुकेशन सिस्टम इंडिजिनस का मतलब होता है घर भैया, जो हमारे घर का है वो भी सेम ही है, ठीक है। वी हैव हैड नो लाइफ, वी हैव नो सिस्टम ऑफ लाइफ कोरोडिंग कॉम्पिटिशन, हमारे पास जीवन को क्षय करने वाला कोई भी कॉम्पिटिशन, मतलब कि लाइफ कोरोडिंग का मतलब होता है जब हम कॉम्पिटिशन करते हैं तो उसमें अपनी कॉम्पिटिशन को मार देते हैं जान से, तो क्या हो लाइफ क्रोडिंग कंपटीशन हुआ, हमारे पास हेल्दी कंपटीशन है, वो अच्छा कर रहा है तो मैं भी अच्छा करूँगा, वो अच्छा कर रहा है तो मैं भी अच्छा करूँगा, मैं भी उससे ज्यादा करूंगा, और हम एक दूसरे को इज्जत भी करते हैं, इसको बोलते हैं हेल्दी कंपटीशन, नो लाइफ क्रोडिंग कंपटीशन, लेकिन आज के लोगों में है कुछ आ चुका है। चलिए थोड़ा सा
लाइफ कोडिंग कंपटीशन, कहता है ईच फॉलोड हिज ऑन ऑक्यूपेशन और ट्रेड, कहता पहले जो लोग थे प्रत्येक लोग पालन करते थे अपना ही ऑक्यूपेशन, ऑक्यूपेशन मैंने पेशा है ना, जैसे मेरा टीचिंग का पेशा है, ट्रेड व्यापार एंड चार्ज अ रेगुलर वेज, रेगुलर वेज का मतलब जो उनका जो चार्ज होता वही चार्ज करते थे, कोई भी एक्स्ट्रा नहीं लिया जाता था पहले, आज तो बहुत लूट ही लिया जाता है ना। इट वॉज नॉट दैट, ऐसा नहीं था, वी डिडंट नो हाउ टू इन्वेंट मशीनरी, गांधी जी कहते ऐसा नहीं था कि हम लोग मशीन का उपयोग करना नहीं जानते थे, हम लोग जानते थे लेकिन मशीन के पीछे क्यों नहीं गए, देखिए कारण बता रहे हैं है ना, अभी भी हम लोग मशीन के पीछे पड़े हुए, जितना भी आज तो हवा हवाई लोग चलते हैं, पहले लोग पैदल चल जाते थे और हवा हवाई के चक्कर में दम 5 रुपया देकर के काम करवा लेते, कहते बड़ा सुविधा हो गलो की नेकर उड़वा बन गलो, हवा हवाई आ गलो, यहाँ तो आप अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं, आपका वजन बढ़ रहा है, आप पैदल नहीं चल पा रहे हैं, हवा हवाई के चक्कर लगा रहे हैं। वी डिड नॉट नो हाउ टू इन्वेंट मशीनरी, कहता ऐसा नहीं था कि हम लोग नहीं जानते थे कि कैसे मशीनरी का उपयोग करें, बट आवर फोर फादर्स, फोर फादर मैंने कौन, एंसेस्टर को फोर फादर बोला जाता है, ये मीनिंग याद रखिएगा, आता है एक नंबर में मैचिंग करने के लिए इनकरेक्ट मीनिंग का, हमारे पूर्वज जानते थे कि यदि हम लोगों ने अपना दिल लगा लिया, सेट आवर हार्ट किसके पीछे, सच थिंग मैंने मशीन के पीछे, अगर मशीन के पीछे आप लगा लिए अपना दिल है ना, अगर जो लड़का को बाइक चलाने की आदत हो गया उसको बोलो पैदल जा बेटा पड़गन, तो वो नहीं जाएगा, कहेगा हम जेवन कर, क्यों, क्योंकि उसका दिल कहाँ लगा हुआ, मशीनों के पीछे। तो गांधी जी पहले बता चुके थे कि अगर मशीन के पीछे आपका दिल लग गया तो क्या होगा, वी वुड बिकम स्लेव एंड लूज आवर मोरल फाइबर, हम लोग उसके गुलाम बन जाएंगे और अपना नैतिकता खो देंगे, एकदम निश्चित है। दे देयर फॉर है ना, इस वे इसीलिए खूब सोच विचार के बाद, आफ्टर ड्यू डिलिबरेशन, बहुत अच्छा मीनिंग है, खूब सोच विचार के बाद, आफ्टर ड्यू डिलिबरेशन डिसाइडेड दैट वी शुड डू ओनली वॉट वी कुड डू विथ अवर हैंड्स एंड फीट, हमें केवल वही काम करना चाहिए जो हम अपने हाथ पैर से कर सकते हैं। किसने बोला, हमारे पूर्वज ने बोला कि भैया अगर आप मशीन के पीछे जाओगे गुलाम बन जाओगे, बेहतर है कि आप अपने हाथ से करो असंतुष्टि। मान लीजिए कि आप एक स्टूडेंट हो और कैलकुलेटर यूज करके मैथ बनाते हो, राइट, कितना खुशी मिलेगा, और एक अपना कैलकुलेशन करके बनाओ जो उसका आंसर आएगा और जो कैलकुलेटर का आएगा, जमीन आसमान का फर्क होगा, करके देख लेना फिर बताना कि हाथों पैर का यूज करने से कितना खुशी मिलता है, ये पहले ही बोल गए थे महात्मा गांधी जी और यहाँ पर मैंने उसको अंडरलाइन कर दिया है। दे सा, उन्होंने देखा था हमारे पूर्वजों ने, आवर रियल हैप्पीनेस और हेल्थ, न सिर्फ खुशी बल्कि हमारा हेल्थ भी किसी में घुसा हुआ है, इन कंसिस्टेंट प्रॉपर यूज ऑफ हैंड एंड फीट, अच्छे प्रकार से हाथ और पैर का यूज करोगे भाई जिंदगी भर खुश रहोगे, ये हाथ पैर बचाने के लिए नहीं है ना, इसको यूज करने के लिए। थैंक यू वेरी मच, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, थैंक यू, बाय।